दोस्तों, अगर आप अपने ICICI बैंक के अकाउंट का यूजर आईडी भूल चुके हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए घर बैठे बैठे यूजर आईडी प्राप्त करने का एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिसमें आपको कहीं भी नहीं जाना है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से बिना ब्रांच जाए हुए अपने ICICI बैंक के अकाउंट का यूजर आईडी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि ICICI बैंक में यूजर आईडी काफ़ी काम की होती है। अगर हमारे लिए अपना नेट बैंकिंग चलाना है या मोबाइल बैंकिंग यूज करना है तो इन सब के लिए यूजर आईडी की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। लेकिन कई सारे लोग अपने अकाउंट का यूजर आईडी भूल जाते हैं, इसलिए काफ़ी परेशान रहते हैं। तो आज की इस वीडियो को आप देख लीजिएगा अंत तक। आज आपको हम लाइव दिखाएंगे सारा प्रोसेस, किस प्रकार से आपको ऑनलाइन अपने ICICI बैंक के अकाउंट का यूजर आईडी प्राप्त करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो ICICI बैंक में अपना यूजर आईडी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको अपना गूगल ओपन कर लेना है और गूगल क्रोम ब्राउजर में या फिर डायरेक्ट गूगल में आप आगे सर्च करेंगे ICICI बैंक नेट बैंकिंग। ठीक है, जिसे आप नेट बैंकिंग सर्च करते हैं तो यहाँ पर एक पहले नंबर की वेबसाइट आती है। इस प्रकार से आपको इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने ब्राउजर को डेस्कटॉप साइज में कर लेना है। तो इसके लिए यहाँ पर इस थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइज का, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखिए ऊपर यहाँ पर आपको एक लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको एक पर्सनल का ऑप्शन मिलता है, इस पर्सनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब आप ICICI बैंक के नेट बैंकिंग वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप अपना नेट बैंकिंग लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए अपना यूजर आईडी प्राप्त करना है। अगर आपको नेट बैंकिंग चलाना नहीं आता है तो इस पर हमारा अलग से एक वीडियो बना हुआ है चैनल पर, देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से फर्स्ट टाइम ICICI बैंक में अपना नेट बैंकिंग चलाते हैं। आपको अगर यूजर आईडी प्राप्त करना है अपना, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट यूजर आईडी का, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने कई सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे कि आप किस प्रकार से अपना यूजर आईडी वेरीफाई करके प्राप्त करना चाहते हैं। पहला ऑप्शन मिलता है अकाउंट नंबर का, दूसरा मिलेगा ट्रेवल्स कार्ड का, पिग लेटर का, गोल्ड लोन का, जॉइंट अकाउंट का, क्रेडिट कार्ड का, लोन अकाउंट का, मतलब इन सब में से आप कोई एक चीज़ से अपना अकाउंट वेरीफाई करके अपना यूजर आईडी प्राप्त कर सकते हैं। तो अधिकांश लोगों के पास बैंक अकाउंट ही रहता है, तो हम यहाँ पर बैंक अकाउंट से वेरीफाई करेंगे। आपके पास अगर और कोई चीज़ है जैसे क्रेडिट कार्ड या लोन अकाउंट तो आप उससे यहाँ पर कर सकते हो। अगर आप अकाउंट से करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डालेंगे। अकाउंट नंबर डालने के बाद ऑटोमेटिक नीचे मोबाइल नंबर का ऑप्शन खुल जाएगा, तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो आपके ICICI बैंक के अकाउंट से रजिस्टर्ड है। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे आपको गो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए नीचे आपको एक डेबिट कार्ड आपका दिखाई देगा और यहाँ पर डेबिट कार्ड के लास्ट के चार अंक भी आप देख सकते हो। ये आपका डेबिट कार्ड अभी प्रेजेंट में आपके अकाउंट के साथ एक्टिव होगा। नीचे यहाँ पर कुछ बॉक्स आपको मिलेंगे जिनके ऊपर कुछ ABCD के अक्षर रहेंगे, जैसे कि GIP या आपके हिसाब से कुछ और भी रह सकता है। अब इनको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर आप इनको वेरीफाई नहीं करते तो क्या है कि यहाँ से आपका जो रिक्वेस्ट है ये फेल्ड हो जाएगा। तो आप अपना ICICI बैंक का डेबिट कार्ड देखिएगा, उस डेबिट कार्ड के बैक साइड में आपको इसी प्रकार से कुछ ABCD के अक्षर मिलेंगे और उनमें एक बॉक्स रहेगा। उस बॉक्स में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको नंबर मिलेंगे, जैसे कि C वाले कॉलम में 23 नंबर रहेगा या 24 नंबर रहेगा या 15, इस प्रकार से अलग अलग आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो जो यहाँ पर आपको इस प्रकार से ABCD के अक्षर मिल रहे हैं, इन अक्षर को देख करके नंबर है उन नंबर को यहाँ पर आप मिलाएंगे। इसके बाद इस कॉलम में अपना नंबर डाल देंगे। जैसे हमने अपना जो डेबिट कार्ड है यहाँ पर वेरीफाई कर लिया है, इसके बाद गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए इसके बाद इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, योर इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी हैज बीन सेंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मतलब जो यूजर आईडी है वो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड कर दी गई है। चलिए देखते हैं। इसके बाद जैसे ही एक दो मिनट के अंदर आप चेक करेंगे तो आपको SMS के द्वारा आपके ICICI बैंक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो यूजर आईडी है वो प्राप्त हो जाएगी। तो ये आपका यूजर आईडी है, आप अब इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको नेट बैंकिंग यूज करना है या मोबाइल बैंक चलाना है तो आप इसको इस्तेमाल करके और कोई भी काम कर सकते हो। जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।